तो मेरी प्यारी हिस्साई जनता कैसी है, होप अच्छी होगी और अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि भाई आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। और इसका वेदर इतना प्यारा हमेशा हो रखा होता है ना भाई कि सब चीज भूल जाते हैं। सबसे पहली बात तो यार माफी मांगना चाहते हैं कि बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है फिलहाल, और उसका वजह क्या करे ब्रो, एग्जाम्स है, एग्जाम की थोड़ी तैयारी चल रही है जिसकी वजह से वीडियोज रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं, और अगर रिकॉर्ड कर भी लो तो एडिट नहीं कर पा रहे। अब ऐसा नहीं है, हम फ्री है ठीक है, हम कैसे भी कर सकते हैं, बट मेरे साथ खेलने वाले कोई दोस्तों को उनका भी तो एग्जाम है ना, इसलिए और अकेले सोचो मल्टीप्लेयर गेम कोई अकेले खेलेगा कैसा लगेगा, इसलिए इस बार फिर से यार माइल्स मोरालेस का वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। थोड़ा मैनेज कर लो यार, वीडियोस आएंगे टेंशन मत लो, शॉर्ट्स भी आ लेंगे, किसी ने देखा नहीं यार, हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं है। हम लोग माइल्स मोरालेस के सबसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राउलर से बात की थी, जो हम लोगों को पता था कि प्राउलर हमारे अंकल एरन है, और लास्ट वीडियो में जो पता चला ना भाई कि फीन वो पर्पल गैंग की मेंबर लीडर है, फिलहाल लीडर तो नहीं पता चला लेकिन हाँ वो उसकी मेंबर तो जरूर थी। वो वहां पे कमांड दे रहे थे ब्रिज के पास, जहां पे ब्रिज पे बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, हम लोगों ने वहां के बहुत सारे लोगों को बचाया भी था। और उसके बाद रॉक्सन सिक्योरिटी थी, वो हमें दुश्मन समझ के हमें मारने की कोशिश कर रही थी भाई, फिर बुरा लगा। वैसे रॉक्सन सिक्योरिटी वालों को हम लोगों ने बाद में लपेटा भी मस्त, और उसके बाद हम लोगों ने फीन का फोन रिकवर किया जिसमें कुछ वीडियोस थे। नहीं 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 भाई, टॉपिक से भटको नहीं। फिन ने हम लोगों को कॉल किया है और हम लोगों ने उसे एक कॉफी शॉप पे बुलाया, वहीं चलते हैं ब्रो। हम लोगों को फिन की असलियत का पता है, फिन कौन है ठीक है, लेकिन फिन को नहीं पता कि हम लोग माइल्स हैं। अपने पास फिलहाल तो एक एडवांटेज है, अब देखते हैं वो एडवांटेज अपन कब तक रख पाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो अब कुछ फाइट्स के अंदर में पता चल ही जाएगा कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है। हम लोग पहुंच गए हैं और सिंपल सी बात है, हम लोग फीन के सामने ये ड्रेस पहन कर तो नहीं ही जाएंगे। वैसे ये सूट तुम लोग बताना भाई, ये सूट तुम लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि हम हर एपिसोड इसी को पहन के खेलते हैं। और देखो बोला था ना कि हम लोग एक कॉफी पे बुलाया है, वैसे बुलाया तो माइल्स ने है। ये वो शॉप की बात कर रहा है जहाँ पे हम लोगों को आई थिंक वो बैग मिला था। नो सीक्रेट्स, जो कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। फीन अपनी असलियत डायरेक्टली तो नहीं बताना। आई एम बैटमैन। क्लब तुम लोगों को नहीं पता, जो प्राउलर ने हम लोगों को बोला था कि तुम फीन से फाइट करने से अच्छा है कि तुम फीन को ज्वाइन करो, तुम उसके बारे में जानो, और इससे क्या होगा कि अच्छा खासा अपने को पता भी चलेगा कि फीन ऐसा क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और अब तो बता ही देंगे, अब तो बताएं, लेकिन नहीं यार। शिट, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टैंकरर वाला ड्रेस पहने हुई है, ये देखो है ना, कितना तगड़ा एक्टिंग कर रहा है भाई माइल्स की, चढ़ ही नहीं सकता उससे, एक वॉल नहीं चढ़ी साले, बड़ी बड़ी दीवारों पे उछलता फिरता है, ये कैसा रास्ता है भाई। तो ये कह रहे हैं कि हमें वो लोग विंडोज से देख रहे हैं और हमें उन लोगों को प्रूफ करना होगा खुद को। अरे यार एक बार सूट पहना दो फिर बताते प्रूफ क्या होता है। माइल्स तू सच में डरा या फिर ये एक्टिंग थी? आई थिंक ये एक्टिंग कर रहा है ताकि उसे पता ना चले ब्रो। गॉटचा। अभी तो हमारा माइल्स चला जाता है यार, एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है यार। अब वो तो बता चुकी है, सिंपल वो बता चुकी है कि वो टिंकरर है, टिंकरर या फिर अंडरग्राउंड के लिए वो काम करती है, और हम लोगों ने कायदे से प्राउलर का पूरी तरह से बात मान लिया है। उसने बोला ही था कि अंडरग्राउंड को ज्वाइन करो और हम लोगों ने उसको ज्वाइन भी कर लिया। ये क्या है भाई? ओ फीन के हिसाब से अभी स्पाइडरमैन उसका दुश्मन है। ओ भाई नाइस यार, यहाँ पे टेक्नोलॉजी तगड़ी है। ये फिश के यहाँ पे क्या कर रहा है यार? फिलहाल अपने को इधर जाना है। का वो मास्क, अब मिस्टर नेगेटिव की टीम ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अब इधर चलते हैं। ओहो पैसे पैसों में अंधा हो गया है। क्या हम लोगों के पास कोई सीक्रेट रूम है? लेट्स सी, इधर चलते हैं। आ जाओ माइल्स, थोड़ा जल्दी चल रहे यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। एक मिनट, ये रूम तुम लोग को याद आ रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने स्पाइडी से दबा के फाइट करी है। ये फिस्क टावर है यार। ये क्या झूठ बोल रहा है भाई? गैंकी के बारे में बताने में क्या दिक्कत है यार? गैंकी तो कुछ है भी नहीं बेचारा। ओहो यस, ये
सुपर हीरो लैंडिंग। अरे नहीं है, बिना सूट के कहाँ करने वाला ये भाई। कितना बुरा लग रहा होगा उसे, तुम लोगों को पता है। अभी हम लोगों को एक सीक्रेट रूम ढूंढना है। अगर इनसे अभी अपन लड़ते हैं तो फाइट बहुत गंदी होगी ब्रो। ये मत बोल देना कि अभी हम लोगों को इनसे लड़ना ही है। कैसे पीट सकते हैं? सबसे पहले उसको मारते, क्या बोलते हो? लेट्स सी, सबसे पहले उसको फिर इसको। ओके अपन कैसे जाएं? इधर चलते हैं। घूम जा मेरे भाई, ऐसे ही मारना चालू करें तुम लोगों को। इजी। किसी को पता नहीं चला फिलहाल तो। अब अपने को किसको लुटकाना है? रुक जाओ, वो नीचे देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है। अगर अपन इसको मारते हैं तो वो देख लेगा। एक काम करते हैं ना, कैमोफ्लाज करके इसको मारते हैं। लो निपटा दिया। ब्रो अपन कैमोफ्लाज थे अभी कुछ देरों के लिए यार, तभी सबको लपेटता था। खैर सबको तो नहीं लपेट पाते, बट जिसको लपेट पाते वो तो लपेट। भाई यहाँ पे स्नाइपर्स कितने हैं ये तो देखो तुम लोग। फिलहाल हम सबसे पहले कोशिश करते हैं स्नाइपर्स को लपेटने का, लाइक दिस वन। आ जा ब्रो, निपट जा। इजी, एक दो का एनिमेशन में पिटना भी जरूरी होता है समटाइम्स। हाँ अबे ओ, कहाँ लेजर लगा रहा है भाई? ओ देख के लगा ले। निकलते हैं यहाँ से इसको लपेट के। कुछ नए मूव्स अपने को सीख के आने पड़ेंगे, है ना? सीख लेंगे यार। फिलहाल इन सबको जल्दी से निपटाते हैं, क्या बोलते हो? भाई यहाँ पे इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई पीट नहीं पा रहा, मजा आ रहा है। जी ब्रो। लो यार, कभी खुद का ग्रेनेड खा के देखो, मजा आता है। हाँ अब तू भाई उतने देर से स्नाइपर लगा रहा, चला भी ले। उन लोगों को अपना स्नाइपर बदलना पड़ जाएगा फालतू का। अरे भाई साहब ये क्या था? इन लोगों को जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा यार, ये लोग बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हैं। मतलब भाई यहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं बीच में तो। अरे वो रोबोट है क्या? कोई हमारा हेल्प कर रहा है? मैं देखा नहीं, कौन है भाई? अच्छा हाँ अपने पास वो है ना, अपन क्लोन बना सकते हैं। ये हमारा हॉलो है ब्रो, और ये फाइट भी करता है। अरे इससे लड़ ले, आ जा। क्या यार वो चला गया। हाँ फिलहाल हम लोगों ने यहाँ के सारे बंदों को लपेट दिया है। अभी अपने को न्यूरोफॉर्म ढूंढना है। और फिलहाल रुक जाओ, घूम जा। ये क्या हुआ? अरे भाई वाओ, सीक्रेट स्टेयर्स, नाइस यार। अरे क्या करना था, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? फिस्क टावर में ये भी है, मतलब स्पाइडी यहाँ आया था पहले ही वीडियो में, बट हम लोगों ने इतना रिसर्च नहीं किया था। और अभी देखो माइल से अपने इसी के अंडरग्राउंड जा रहे हैं। और इनको कैसे लपेटना है कुछ आइडिया? कैमोफ्लाज कह रहे क्या? वो लोग अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये वेंट उन लोगों ने क्यों खोल के रखा है यार? वो देखो तीन अंधों को उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा भाई फिन तो उसके सामने, यार ये गजब अंधी है यार। वो देखो भाई यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है यार, ये तो गजब लेवल की अंधी है भाई। वो जो न्यू फॉर्म है, अब वो अच्छी खासी लोकेशन है अपने को ढूंढने का। और अपन कैमोफ्लाज करके उनके बीच की बातें सुन रहे भाई। अब इसका ब्रदर कौन है? ये क्या? अरे छोड़ दे स्पाइडी, क्या कर रहा है? ये हक दिया भाई, क्या कर दिया? I won't stop until Roxanne's gone. अच्छा उसको पता नहीं चला एटलीस्ट। भाई इतने देर तक ये कैमोफ्लाज कैसे हो सकता है? ओह शिट, ये कौन सा स्वॉर्ड है भाई? शिट, ओह पैसों की बारिश। ये मजा आ रहा है मारने में कसम से भाई, पैसों की बारिश हो रही है भाई साहब।
ये रहे स्वॉर्ड वाले भैया, और इन सबके पास स्वॉर्ड है यार। बट अपन फिलहाल अभी डॉज कर सकते हैं इजिली। क्या हुआ भैया? और वाओ, मारो मारो मारो, इजी। ओ बचे, अभी अपन बहुत अच्छे खेल रहे। एक बार डॉज करके पंच मारे क्या? अरे बच गई यार। अच्छा अपन ने मारा ही नहीं। ओह भाई गया, एक को तो पीट के जाएंगे स्टाइल में। अब बची एक, एक क्या कर लेगी? सिंपल, सबको लपेट दिया। बहुत इजी भाई, यहाँ तो लिटरली बहुत इजी। भाग भाग स्पाइडी भाग। ओ भाई साहब क्या एग्जिट मारा है, मजा आ गया। आई थिंक थोड़ा सूट अपग्रेड करने चाहिए। तो हम लोगों ने सूट को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है, और फिलहाल हम लोगों को चलना है जिम थिएटर। पता नहीं हम लोग थिएटर क्यों जा रहे हैं, बट भाई अब पता तो करना है कि न्यू फॉर्म है कहाँ। और अब हम लोग पहुँच गए हैं लोकेशन पे, और यहाँ पे तो पहले से ही बाराती लोग पहुँचे हुए हैं। भाई भाई ये लोग जंप बहुत मतलब हल्का वाला लेते हैं, देखो लेफ्ट राइट दाएं बाएं। अब हम लोग को सबसे पहले यार ये वायर्स का झोल यार, गजब। आओ यहाँ पे बंदे हैं, पता नहीं था, सॉरी। अरे यार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? थोड़ा सा स्टाइल में पीटने के बारी भाई। पीछे गजब का सनसेट जैसा माहौल हो रहा, मस्त एकदम। अरे भाई साहब क्या सीन है, मजा आ गया यार। ले यार छोड़, इतना क्या घूमना। हाँ अब चलो उस पर। हाँ तो अब कहाँ गया वो जेनरेटर? ओके चलो ब्रो, हम लोगों ने उसकी पूरी पावर ऑब्जर्व कर ली है। और वैसे बहुत सारे लोकेशंस है जहाँ से पावर आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा पावर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ओ ओ ओ ओ सॉरी यार, चलते फिरते कहीं भी पहुँच जाते यार, बात करते करते किसी से। ओ शिट, उसके पास ओनली शॉट थी यार, गंदा मारा उसने। जिन जिन को पीट सकते हैं सबसे पहले उनको पीट लेते हैं, और एचपी चाहिए फिलहाल अपने को। वो देखो देख रहा है प्रेम से, देखो गन चला रहा है साले, गन तो दे दे। ओरे भैया मजा आया। इस जनरेटर की बारी, आ जाओ ब्रो, सबको अपन एब्जॉर्ब करते हुए चलते हैं। और कहाँ पे? ऊपर टॉप पे चल लेंगे यार। और ये सुपर हीरो लैंडिंग गया भाई, ये किसको मार दिया? जल्दी जल्दी जल्दी। ओ शिट लग गए अपने, लग गए। वो ऊपर से मार रहा है स्नाइपर। भाग 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 स्पाइडी भाग भाई, 3 HP अपन। निकलो 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 निकलो, एक एक को मारो और निकलते बनो। ब्रो 3 HP क्लच, मजा आ गया। अब उस जनरेटर को उड़ाते हैं, आ जाओ। मैं लोगों ने बिना उसे मारे ही उसे एब्जॉर्ब करने चले गए थे, जिसमें पुंगी हमारी बच गई। इसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे निपट गए। उस गेट को खोलने के लिए करना बहुत ज़रूरी था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। ब्रो एक तगड़ी एंट्री हो जा। यस भाई साहब, ये क्या एंट्री थी, अपन ने मारा इस पे, टूटा ये। ओके ओके ओके, मेरे पास एक उपाय है। कोई जनरेटर ऐसे खुला कैसे रह सकता है? इसके अंदर न्यू फॉर्म है लग तो रहा है वैसा। इसको चार्ज कैसे किया जाए? समझ गए, अपन ने इसको पावर अप कर दिया। अब तुम देखो, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया। चलो ओके, ये दोनों कनेक्ट हो गए, और अब आई थिंक ये ऑन हो जाएगा। अब ऑन हो जा भाई, इससे कनेक्ट करके उससे जोड़ देना है, ठीक है। इधर से भी करंट चला गया, हुआ क्या अभी और बाकी है? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, बहुत यार दिमाग खराब हो गया। बट कोई नहीं, ये सब तो होना रहना रहेगा रहता है।
निकल जा न्यू फॉर्म। ये क्या है? अच्छा ये सारे वो जनरेटर है जिनसे मतलब अपने इसको चार्ज डिलीवर किया। तो स्पाइडी के हिसाब से फिन शायद रॉक्सन प्लाजा को ब्लास्ट करने वाली है, पूरा उड़ाने वाली है। और मेरे को ऐसा क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब कोई आने वाला है? लगाता हेलो कुछ भी करके वो वहाँ से न्यू फॉर्म उठाना है, पता नहीं कैसे। सबसे पहले उस ऊपर वाले को उड़ाते हैं वहाँ से, फिर उसको से उसको उड़ा देंगे। ओके भाई तेरे हाथ बंधे हुए हैं, खत्म। और आ गए यार, कितना 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 साइलेंटली मारा था यार सबको, कितना मजा आया था। ओ ये क्या है, भागो पहले। अच्छा ऐसा क्या भाई, किसको मारना था, किसको मार दिया गलती से। शेट 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 भाई माफ करना, भाई माफ करना, माफ करना। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ शिट, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, बट बहुत गलत हो रहा है अपने साथ, बहुत ज़्यादा गलत। निकलो फिलहाल यहाँ से। हाँ ये हुई बात भाई, तीन शॉट में जाके मारा है वे, उसने दबा के मारा, गजब। अब इसको निकाल लो, शिट। फीन, या फीन है, या फीन है। हाँ टैंकर, अरे भाग मत यार, रुक जा रुक जा, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत से उसको हजारों से लड़के पाया है यार, रुक जा। फीन फीन, लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं चाह रहा। अरे साहब ये क्या है, अरे मजाक समझा है क्या है, मजाक समझा है क्या? अरे भैया ये क्या है, भाग 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 स्पाइडी, वो चली जाए भाई पूरा शहर तेज नहीं। ये फिर से साला जे जोना जेमिसन मेरे को बोलेगा यार कि नए जो भी स्पाइडरमैन आते हैं सब वैसे होते हैं। यार डॉज तो कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना प्यारा तो डॉज कर रहे हैं। चलो बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट, रुक जा रुक जा रुक जा, दे दे चल। उसके मिसाइल से बचने बचना है हम लोगों को, और कुछ नहीं। यस लाइक दिस वन। अच्छा वो जब अपना मिसाइल यूज करेगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा, लाइक देखना अभी करने वाली है, देखो देखा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे बोट की ऐसे की तैसी, ये कहाँ पानी में दौड़ा रही भाई। ओरे भाई हो जाए स्पाइडी, आज बोट फाइट हो जाए। भाग 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 मत ना यार, क्या दिक्कत है तेरे को। भाई इसमें सिर्फ सिनेमेटिक्स भागते हुए सीन जा रहे हैं यार। चल अरे ये क्या है, ये क्या कर रही है भाई। अरे शिट 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 शिट, एचपी नहीं अपने पास, भागो अब तो, रुक जा। अरे 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 रॉड टूट दिया यार, फिर से स्पाइडी बदनाम हो गया यार। ये वाली स्वॉर्ड यार, बता दे माइल्स। यस लगा ही था कि आज बता देगा भाई। गायब हो गई, शिट भाई बहुत गंदा पीटा है माइल्स को, बहुत गंदा पीटा है।
अभी फिन को भी पता है कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है, जो कि मेरे को शुरू में लगा था कि ऐसा पता चल ही जाएगा उसको। और हम लोगों को पता है कि फिन टिंकरर है, और अभी जो हम लोग न्यू फॉर्म उतनी ज़्यादा मेहनत से जनरेटर वेनेटर सारी चीज़ें लगा के जो लेने गए थे वो फिन ने हम लोगों से ले लिया है, और एंड में हमारी कुछ हड्डियाँ भी तोड़ दी हैं और उसके बाद वो गायब हो गया अचानक से। अब ये तो बहुत मुश्किल है कि अब फिन और स्पाइडी का मिलना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे अभी हम लोगों ने एपिसोड के शुरू में देखा था कि दोनों आराम से कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे, बट अब ऐसा शायद से नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ब्रो मिलते हैं ब्रो अगली वीडियो में, तब तक के लिए।